बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां समुद्र के किनारे मिली बोट की जांच एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के बाद एटीएस ने किसी साजिश से इनकार किया है। किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या फिर सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे नहीं। फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है, ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। हथियारों से भरी बोट किसकी है, नाव रायगढ़ तक कैसे पहुंची, क्या है बोट से मिले हथियारों का राज, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस जुट गई है। रायगढ़ के हरिकेश्वर तट पर संदिग्ध बोट मिली, रस्सियों की मदद से बोट को समुद्री लहरों से बाहर निकाला गया। उसके बाद नाव में जो कुछ मिला उसने सबको चौंका दिया। जिस बोट को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है, वो बोट हम आपको दिखा दें कि ये वही बोट है जो रायगढ़ में आकर अटक गई है। और इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि इसके अंदर से 3 AK-47 और कुछ बुलेट्स बरामद हुए, जिसके बाद से ही सारी एजेंसियां हैं वो सतर्क हो गई, सबके कान खड़े हो गए। बोट से 3 AK-47 राइफल और कारतूसों से भरे 10 बॉक्स मिले, जिसमें करीब 250 जिंदा कारतूस थे। पुलिस के मुताबिक बोट से मिले हथियारों के बॉक्स पर स्टिकर्स लगे थे। इन स्टिकर्स पर लिखा था नेपच्यून मैरिटाइम सिक्योरिटी की बोट। एबीपी न्यूज ने कंपनी के लंदन ऑफिस में फोन कर हथियारों के बारे में सवाल किया। कुछ समय बाद कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि ये बोट उनकी ही थी। सवाल उठ रहा है कि नेपच्यून मैरिटाइम सिक्योरिटी की बोट समंदर में संदिग्ध हालात में क्यों तैर रही थी, जाँच के बाद साफ होगा। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने एबीपी से खास बातचीत की। चीफ ने किसी साजिश से इनकार किया है। एरर एंगल आपको ऐसा दिखाई दिया, ऐसा कुछ लगता है कि कुछ सस्पिशियस है जिस मामले की जांच होनी चाहिए? जांच तो हम करेंगे ही, इंडियन वाटर्स में 3 वेपन्स आ गए, लेकिन सस्पिशियस कुछ नजर नहीं आ रहा। बोट मिलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जन्माष्टमी और दही हांडी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रायगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सूरज ओझा। सूरज, अभी तक की जांच कहां पर पहुंची है, एक बात, और दूसरी बात, इतनी दूर तक ये बोट आ गई, तट के इतना करीब आ गई, कोस्ट गार्ड की नजर में क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, देखिए कल एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल से जब हमने बात की थी, उन्होंने खुद कहा था कि कैसे ये यहां पर आ गई, ये वाजिब सी बात है, सवाल तो उठता ही है, क्योंकि देखिए जब से 26/11 का हमला हुआ है उसके बाद से ही जो मुंबई और महाराष्ट्र कोस्टल की जो सिक्योरिटी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। देखिए जो पहला हिस्सा है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ से जो जो सोर्स से लेकर थोड़ी दूर तक देखेंगे तो लोकल पुलिस होती है, उसके बाद कोस्ट गार्ड होती है, और उसके बाद नेवी का जुरिडिक्शन है जो कि इंटरनेशनल वाटर तक जाता है। ऐसे में कोई भी सस्पिशियस बोट यहाँ पर ना आए, इसके लिए हर कोई अपनी चौकन्ना रहता है, हर कोई पेट्रोलिंग करते रहता है। लेकिन ऐसे में जो इतनी बड़ी बोट जो सामने आपको विजुअल्स में दिखाई दे रही है, माय लेडी हान नाम की जो ये बोट है, याट है, ये यहाँ पर कैसे आ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप विजुअल्स में देखिए कि अभी भी यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को डिप्लॉय करके रखा है ताकि कोई भी अब उस बोट तक ना जाए, और साथ ही एक बड़ी बड़ी रस्सियों से उसे बांध कर रखा गया है ताकि अगर हाई टाइड आए तो वो वापस से पानी में ना जाए। और एटीएस चीफ ने कल ही बताया था कि इस पूरे जो मामले में क्या लापरवाही हुई है, कहां से क्या हुआ है, हर एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है, साथ ही एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि इंडियन वाटर में 3 वेपन्स आ गए और किसी को पता नहीं चला। तो तमाम तरह के सवाल हैं जिसके जवाब के लिए अब महाराष्ट्र एटीएस काम कर रही है। साथ ही रात करीब 11 बजे के आसपास इसी बीच पर एनआईए की एक स्पेशल टीम आई थी जिसने इस बोट का जायजा लिया, साथ ही यहाँ वहाँ के लोगों से बातचीत भी की। साथ ही आपको दिखा दें कि देखिए आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं कि बाकी वहाँ पर भी कुछ सामान्य लोग खड़े हैं, उन्हें भी इस बोट के आसपास आने की इजाज़त नहीं है। तो इस पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है ताकि कोई भी उस यार्ड के पास ना जाए और जो संबंधित जाँच है उसे आगे बढ़ाई जाए। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उसे बाहर निकाला जाएगा एक क्रेन के माध्यम से ताकि अगर हाई टाइड में पानी और आगे आता है तो वो यार्ड को और भी क्षतिग्रस्त न करे और यार्ड को पानी में अपने साथ बहाकर न ले जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।